श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक या रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ तक जिस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं, भगवान शिव की पांच मंदिरें पूरी एक सीध में बनी हुई है। जैसे अगर यहाँ पे केदारनाथ है ना, तो आप सीध पकड़ेंगे तो सीधा रामेश्वरम इधर है, पूरा एक सीधा लाइन में है। पांच ऐसे शिव मंदिर है, आपको जानकर ताज्जुब होगा। इन मंदिरों का जो निर्माण है वो हजारों साल पहले हुआ था। बिना सैटेलाइट की मदद से इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे बनाया गया, इन बात को मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इन दूरियों को कैसे मापा गया होगा, इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उस वक्त इन मंदिरों को बनाने वाले के बारे में दाद जरूर देना चाहिए। इन मंदिरों के यौगिक विज्ञान के आधार पर कुछ इस तरह से बनाया गया था कि सारे मंदिर एक रेखा में रहे। एक है थिरुवनामलाई मंदिर, उसके बाद फिर आपका हो जाता है चिदंबरम, उसके बाद है आपका कांचीपुरम, फिर आपका केदारनाथ जिसे कला हस्ती भी कहते हैं, और उसके बाद है थिरुवनाई कवल। भगवान शिव की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। इनकी पूजा कई अलग अलग रूपों में की जाती है। लिंग शिव प्रतिमा, काल भैरव अर्धनारी के रूप में भगवान शिव का प्रतीक है। अलग अलग रूपों में इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव के मंदिर देश के हर हिस्से में आपको मिल जाएगा, तो विदेशों में भी बना रहे हैं। लेकिन इन मंदिर में कुछ ऐसे हैं जिनका विवरण आपको पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलेगा। इसका मतलब है कि ये मंदिर हजारों साल पुराने हैं। केदारनाथ से रामेश्वरी तक करीब पांच ऐसे मंदिर हैं जिनका हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। लेकिन मान्यताओं से अलग इन मंदिरों में एक खास बात है, ये पांचों मंदिर एक ही सीधी रेखा में। मतलब समझने के लिए आप किसी इंडिया का मैप उठा के देखिएगा, और जो मैं पांच नाम बोल रहा हूं उनको आप एक ही लाइन में देखिएगा, स्केल खींचिए, स्केल से लाइन खींचिए, आपको सब एक सीध में मिलेगा। अभी धरती के भौगोलिक आधार पर ये पांच मंदिर पंच तत्व पर आधारित है। जो थिरुवनाई कवल है वो जल को दर्शाता है, केदारनाथ मतलब कलाहस्ती हवा को दर्शाता है, फिर है कांचीपुरम ये धरती को दर्शाता है, चिदंबरम आकाश को, और थिरुवनामलाई आग का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।